हाय स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन द फैमिली ऑफ नव भारती स्कूल। रनिंग चैप्टर इज इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। आज मैं टॉपिक ले रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। जब साझेदार अपने पर्सनल यूज़ के लिए फर्म से कैश ले लेते हैं या पर्सनल यूज़ के लिए माल ले लेते हैं तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। जब पार्टनर से कैपिटल लगाई थी तो फर्म ने उनको उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के ऊपर ब्याज दिया था, और जब साझेदार अपने पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग्स करते हैं तो फर्म के द्वारा साझेदारों से ब्याज लिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज्ड बाय द फर्म फ्रॉम द पार्टनर्स। आरण पर ब्याज को कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड इज प्रोडक्ट मेथड एंड सेकंड मेथड इज एवरेज पीरियड मेथड, औसत अवधि विधि। और प्रोडक्ट मेथड जैसा कि IOC के अंदर गुणनफल विधि थी, उसी तरह से प्रोडक्ट मेथड यानी कि गुणनफल विधि। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम है, जस्ट अपोजिट ऑफ IOC। इनकम फॉर द फर्म, साझेदार के लिए, फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर के लिए डिडक्शन है, खर्चा है। डिडक्शन फॉर द पार्टनर्स, ये पैसा उनके कैपिटल अकाउंट के अंदर से फर्म के द्वारा काटा जाएगा, डेबिट किया जाएगा, डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। इनकम फॉर द फर्म, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, ये साइड कौन सी है, डेबिट साइड, और ये साइड कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। यहाँ पर सबसे पहले अपन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट लाए थे वो दिखाएंगे, और सेकंड लाइन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए और बी। जैसे मान लो ए ने ड्राइंग्स करी, ए की ड्राइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो 700 रुपये, और बी ने जो ड्राइंग्स करी, सपोज बी से फर्म ने उसकी ड्राइंग्स के ऊपर ब्याज वसूल किया 500 रुपये, तो फर्म के लिए टोटल इनकम कितने रुपए की हो गई, 1200 रुपए की। लाइक दिस वे वी विल शो द IOD इन द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट के अंदर इस आइटम को कैसे दिखाएंगे, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स, टू पार्टनर्स ए एंड बी, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ड्राइंग्स नहीं दिखाई जाती है, बिकॉज द ड्राइंग्स इज ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। इसलिए इनकी जो भी ड्राइंग्स है वो इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, यानी कि ड्राइंग्स का पैसा इनके कैपिटल अकाउंट के अंदर से फर्म काट लेगी। तो सबसे पहले साल भर के अंदर जो इन्होंने ड्राइंग्स की, फर्म वो पैसा काट लेगी। मैंने 700 रुपये ब्याज लिया है, अपन ये मान के चलें कि साल भर के अंदर ए ने 7000 रुपये की ड्राइंग्स की, और इसके ऊपर 10% पर एनम की रेट से IOD था, तो 7000 रुपये का 10% 700 रुपये, और इसी तरह से इसकी ड्राइंग्स कितनी हो गई, 5000 रुपये, और 5000 रुपये का 10% कितना हो गया, 500 रुपये।
तो ड्रॉइंग्स इज डिडक्शन फॉर द पार्टनर, और सेकंड डिडक्शन क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का पैसा भी फर्म काटेगी और जो आरण के ऊपर ब्याज है वो भी इनके कैपिटल अकाउंट के अंदर से कटेगा, तो 700 रुपए आरण पर ब्याज इसका डिडक्ट हो जाएगा और 500 रुपए इसके खाते के अंदर से फर्म काट लेगी। इट वॉज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब आईओडी को कैलकुलेट करने का फर्स्ट मेथड प्रोडक्ट मेथड है। एक ही ड्रॉइंग्स कितनी है साल भर के अंदर, 7000, बट ये एग्जाम्पल इस मेथड के अंदर सूट नहीं करेगा। आई एम टेकिंग वन अनदर एग्जाम्पल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ आईओडी। प्रोडक्ट मेथड से आईओडी कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी टू पार्टनर्स, दो साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2020 को अपने पर्सनल यूज के लिए ए ने 3000 रुपये की ड्रॉइंग्स की और 1 अप्रैल को बी ने 2000 रुपये की ड्रॉइंग्स की। इसके बाद में 30 जून को इसने पर्सनल यूज के लिए 1000 की ड्रॉइंग्स की, इसने कोई ड्रॉइंग्स नहीं करी। इसके बाद में 1 दिसंबर 2020 को 4000 रुपये की इसने ड्रॉइंग्स करी और इसने 5000 रुपये की ड्रॉइंग्स करी। अब फाइनेंशियल ईयर, आई हैव एडॉप्टेड द फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ और खाते कब बंद होंगे, 31 मार्च 2021 को। साल के एंड के अंदर, एट द एंड ऑफ द ईयर, द ड्रॉइंग्स ऑफ ए वॉज 600 एंड ड्रॉइंग्स ऑफ बी वॉज 1000। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ध्यान रखना है कि आईओडी के लिए प्रोडक्ट मेथड कब यूज करेंगे। प्रोडक्ट मेथड केवल उस समय यूज करेंगे जब अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स आर डिफर। कभी 3000 निकाल लिए, कभी 1000 निकाल लिया, कभी 4000 रुपये की ड्रॉइंग्स कर ली, कभी ड्रॉइंग्स करी नहीं। अमाउंट्स आर नॉट इक्वल, नंबर फर्स्ट थिंग। नंबर सेकंड थिंग, इंटरवल ऑफ ड्रॉइंग्स इज नॉट इक्वल। जो डिफरेंस है, जो टाइम का गैप है, वो भी बराबर जब नहीं होता है। कभी 1 महीने से ड्रॉइंग्स कर ली, कभी 3 महीने के लिए ड्रॉइंग्स कर ली, कभी 2 महीने के इंटरवल से ड्रॉइंग्स कर ली, तो इस कंडीशन के अंदर प्रोडक्ट मेथड से आईओडी कैलकुलेट किया जाता है। सपोज द आईओडी की जो रेट है, आईओडी इज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ, आईओडी इज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। साझेदार जो आरण करते हैं उसके ऊपर 6% वार्षिक की दर से ब्याज वसूल किया जाता है। तो सबसे पहले वी विल कैलकुलेट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द टाइम। 1 अप्रैल 2020 को ए ने 3000 रुपये की ड्रॉइंग्स करी। ये पैसा किसने काम में लिया, ए ने। ए ने पर्सनल यूज में पैसा कितने टाइम के लिए काम में लिया, फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 31 मार्च 2021, यानी कि साल भर तक इसने ये 3000 रुपये काम में लिए मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स। और सेम डेट को बी ने 1 अप्रैल 2020 को 2000 रुपये की ड्रॉइंग्स की, तो इसका भी पीरियड कितना हो गया, 12 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय 12। सेकंड डेट इज 30 जून 2020। 30 जून को ए ने 1000 रुपये की ड्रॉइंग्स करी, तो ए ने 1000 रुपये कितने टाइम तक यूज़ किया, 30 जून से लेके, और टाइम कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग डेट तक। 30 जून ख़त्म हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, मीन्स 9 मंथ्स। 9 मंथ्स के लिए ए ने ये पैसा पर्सनल यूज़ के अंदर काम में लिया। नेक्स्ट डेट इज 1 दिसंबर 2020। 1 दिसंबर 2020 को इसने 4000 रुपये की ड्रॉइंग्स करी, तो अगेन एरो विल गो अप, एरो विल गो अप
टू द क्लोजिंग डेट 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च 2021 तक का पीरियड कितना होगा, दिसंबर का पूरा महीना जैन फेब एंड मार्च मल्टीप्लाइड बाय 4 मंथ्स, और यहां पर भी कितना आ जाएगा 4 मंथ्स। एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2021 इसने 600 रुपए की ड्राइंग्स की, टाइम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग्स टू द क्लोजिंग डेट, ड्राइंग्स की डेट से और क्लोजिंग डेट तक का टाइम इसके अंदर कैलकुलेट किया जाता है। तो 31 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 तक कितना पीरियड हुआ, 0 और मल्टीप्लाइड बाय 0। अब जैसे आईओसी के अंदर अपन ने प्रोडक्ट लिए थे, इसका प्रोडक्ट लेंगे 12 को 3000 से गुना करूंगा तो 12 तिया 36,000, इसको मल्टीप्लाई किया 9 1 जा 9,000, 4 4 जा 16, 16,000 रुपए, और 600 मल्टीप्लाइड बाई 0 nil 0, व्हाट्स द टोटल ऑफ प्रोडक्ट 000 6 और 9 15 और 6 21 का 1 2 और 1 3 और 3 6 60 1000 इज टोटल ऑफ प्रोडक्ट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आ गया ए का 61,000। इसी तरह से बी का कैलकुलेट करेंगे तो 12 दूनी 24,000 रुपये, यहाँ पर डैश यानी 0, यहाँ पर 5 चौक 20, 5 4 जा 20,000 और यहाँ पर 0, प्रोडक्ट का टोटल कितना आ गया 44,000। इस तरह से प्रोडक्ट लेने के बाद में अपन इसको फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करेंगे और आईओडी कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट्स का टोटल ए का कितना था 61,000 और बी के प्रोडक्ट्स का टोटल कितना था 44,000। अब अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बाय द प्रोडक्ट मेथड इज टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स गुणनफलों का योग इंटू रेट अपॉन 100 दर बटा 100 इंटू 1 अपॉन 12 मंथ्स और 365 डेज इफ वी आर टू कैलकुलेट द आईओडी इन डेज। यही फॉर्मूला आईओसी के अंदर था, द सेम फॉर्मूला इज एडॉप्टेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ आईओडी। मैं इस फॉर्मूले के अंदर फिगर रखूंगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ए का प्रोडक्ट कितना है 61,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम, रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 12 मंथ्स, 00 कैंसिल 6 2 जा 2 3 जा 0 2 5 जा। तो जो फर्म है इससे आईओडी कितना लेगी, 305 रुपए का इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म इससे लेगी, तो इनकम कितनी हो गई 305 रुपए। इसी तरह से अपन बी का आईओडी कैलकुलेट करेंगे तो बी टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना था 44,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 12 मंथ्स, 00 कैंसिल 6 2 जा 2 2 जा 2 2 जा 0 इज इक्वल टू 220 आंसर। इस तरह से अपन ने क्या देखा कि प्रोडक्ट मेथड के अंदर नंबर एक बात, जो अपन ने कैलकुलेट टाइम जो कैलकुलेट किया वो टाइम कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का कैलकुलेट करना है, फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग्स टू द डेट ऑफ क्लोजिंग, ड्रॉइंग्स करने की डेट से खाते बंद करने की तारीख तक का टाइम कैलकुलेट करेंगे। दूसरी बात, इसके अंदर कोई प्लस माइनस के साइन नहीं थे जैसे कि आईओसी के अंदर हुआ करते थे।
नंबर तीन बात, प्रोडक्ट मेथड के अंदर फॉर्मूला वही है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12। फिगर्स को फॉर्मूले के अंदर रख देंगे और इस तरह से ये अपने प्रोडक्ट मेथड से आंसर आ जाएंगे। सेकंड मेथड जो है वो एवरेज पीरियड मेथड है। एवरेज पीरियड मेथड कब यूज़ होता है, कौन कौन से कैलकुलेशन किस तरह से किए जाते हैं, ये सब चर्चा अपन अगले वीडियो के अंदर करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, योर क्वेश्चंस, योर सजेशंस, योर डाउट्स ऑल आर मोस्ट वेलकम। थैंक्स अ लॉट।